हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आपके सामने एक मिनी यूपीएस बोर्ड नज़र आ रहा है। तो देखिए, यूपीएस बोर्ड है जो कि हमारे यहाँ पर 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो देखिए, इसकी वोल्टेज की बात करें, इसके पावर की बात करें, तो ये आपको यहाँ पर 60 वाट की आउटपुट पावर दे सकता है। तो देखिए, इससे जो आउटपुट पावर देखने को मिलता है, यानी यूपीएस मोड पर इससे जो आउटपुट देखने को मिलता है वो डीसी में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एसी में वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। करीब आपको यहाँ पर 220 वोल्ट डीसी में वोल्टेज देखने को मिलते हैं। तो देखिए, डीसी यहाँ से तो एसी से में ही वोल्टेज निकलते हैं, यानी जो भी यहाँ पर 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर में जाते हैं और ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज निकलते हैं 220, वो यहाँ पर फिल्टर होकर, ब्रिज रेक्टिफायर में फिल्टर होकर, कैपेसिटर से फिल्टर होकर, फिर हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर डीसी में वोल्टेज देखने को मिलते हैं, और जैसे ही इसमें मैच देती है तो डायरेक्ट एसी वोल्टेज हमें यहाँ पर आउटपुट में देखने को मिलते हैं। यानी जो हमारे घर में वोल्टेज आते हैं वो हमें यहाँ पर डीसी में देखने को नहीं मिलते, वो डायरेक्टली यहाँ ये रिले आउट कर देती है, और जो इससे ट्रांसफॉर्मर से वोल्टेज निकलते हैं वो हमें यहाँ पर डीसी में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, इसके जो कनेक्शन होंगे वो भी इस प्रकार से होंगे। यहाँ पर जो चार्जिंग के लिए ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, तो आप चाहें तो आप 18018 का भी ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप 018 का भी ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ये जीएनडी होता है, इस साइड का एक जीएनडी होता है, यहाँ पर आप 18 दे सकते हैं, यहाँ पर 18018 की दोनों वायर आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, और यहाँ से आपको आउटपुट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका जो फेस होता है वो इन करना होता है, ये कॉमन होता है, और यहाँ पर आपको आउटपुट पिन वाली देखने को मिल जाती है, यानी जो भी होता है उससे ये रिले हमारी यहाँ पर चेंज करती है। जैसे ही इसमें मेंस आती है तो रिले हमारी यहाँ पर मेंस को शिफ्ट कर देती है आउटपुट पर। और यहाँ पर दो आईसी लगी हैं जो कि यहाँ पर एक जो हमारे इस सर्किट को कंट्रोल करने के लिए लगाई गई है, और एक आईसी हमारी यहाँ पर मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए लगाई गई। तो देखिए, एक आईसी हमारी यहाँ पर लो बैटरी ओवरलोड वगैरह को सेंस करती है, और दूसरी आईसी हमारे इस मॉसफेट को पल्स जनरेट कराती है, यानी पल्स देती है, यानी जो फ्रिक्वेंसी डिसाइड होती है वो इस आईसी से डिसाइड होती है, वो ये आईसी इन दोनों मॉसफेटों को ड्राइव करती है। यहाँ पर जो मॉसफेट यूज किए गए हैं वो यहाँ पर P55 के मॉसफेट यूज किए गए हैं, तो आप यहाँ पर इसका नंबर भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक कनेक्टर आप नज़र आ रहा है जहाँ पर मैंने वायर कनेक्ट किए हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक स्विच लगता था, तो जैसे ही इन वायरों को शॉर्ट करते हैं तो ये यूपीएस मोड पर चला जाता है, और इस वायरों को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो ये नॉर्मली ऑफ कंडीशन में हो जाता है। और यहाँ पर एक आईसी और लगी हुई है जिसे हम LM17 नाम से जानते हैं, LM317, जो कि यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है। इसका काम क्या होता है, बैटरी को चार्ज करने का काम ये करता है। तो एक्चुअली एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर होता है, तो इसे इस प्रकार से डिजाइन किया, यानी इस सर्किट को डिजाइन किया गया है कि आपको आउटपुट में 14.5 वोल्ट यहाँ पर इस आईसी के जरिए देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको LED के कनेक्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको UPS मेंस ओवरलोड लो बैटरी और जो हमारे यहाँ पर चार्जिंग की LED, यहाँ पर आपको टोटल 5 LED देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से ये बोर्ड का रिव्यू रहा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको इसके कनेक्शन करने की सारी जानकारी आपको दी। देखिए, यहाँ पर ये एक वायर कनेक्ट है, एक्चुअली यहाँ पर स्विच लगता था। तो देखिए, इन दोनों पॉइंटों को यदि हम आपस में जोड़ दें तो ये हमारे यहाँ पर इन्वर्टर यानी UPS मोड ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं UPS की LED यहाँ पर जल रही है। तो जैसे ही मैं इन वायरों को डिसकनेक्ट करता हूँ तो ये UPS बंद हो जाता है, और जैसे ही मैं इन कनेक्ट करता हूँ तो UPS ऑन हो जाता है, यहाँ पर हमारा यहाँ पर बल्ब जल जाता है। तो यहाँ पर एक स्विच लगा होता है, तो ये स्विच ही रहा। ये अभी UPS मोड पर चालू है। अब इसमें मेंस देखते हैं, मेंस देते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, ये मेंस के वायर हैं, ये वाले मेंस के वायर हैं। तो इसे मैं अपने बोर्ड के साथ कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं बोर्ड के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए, मेंस देते ही यहाँ पर आपको रिले की आवाज़ आई होगी, वही शिफ्ट हो जाता है, यानी जो हमारे यहाँ पर लोड होता है वो मेंस पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको मेंस की LED भी नज़र आ जाती है, और चार्जिंग की LED भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, यानी बैटरी चार्ज भी कर रहा है, हमारे यहाँ पर मेंस भी आ रही है। और ये दो नीचे आप LED देख रहे हैं, ये लो बैटरी की होती हैं, एक ओवरलोड की होती हैं। तो यहाँ पर मैं ओवरलोड टेस्ट कराता हूँ आपको। अब ये UPS मोड पर ऑन है, आप देख सकते हैं UPS पर। तो देखिए, 60 वाट का इन्वर्टर है, और इस पर हम 100 वाट का लोड डालते हैं तो क्या होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।